हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मेरे हाथ में जो बुक है यह है उपकार प्रकाशन की, और आज हम इसमें जो चैप्टर पढ़ेंगे भावनी 5। एक रिक्वेस्ट रहेगी, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप मेरे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, जो नवोदय के बच्चे तैयारी कर रहे हैं या सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से मेरे सीधे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो प्रश्नावली 5 का पहला प्रश्न है 2.5, ये जोड़ना आपको बस 4.75। बहुत आसान है, केवल इसमें क्या क्या है, दशमलव के नीचे ठीक दशमलव लिखना है। जैसे ये लिख दिया 2.5 प्लस करना है, तो यहाँ जो है ना दशमलव के नीचे पहले दशमलव लिखते हैं। अब ये देखो, ये 5 यहाँ 10वां है, इसको 10वां बोलते हैं, दशमलव का पहला वो होता है, ये क्या होता है 10वां। तो यहाँ 10वां 7 है, और ये जो 5 है ये 100वां है, यहाँ तो यहाँ इसके ऊपर कुछ नहीं है। आप चाहो 0 भी लगा सकते हैं, चाहो मत लगाओ, कोई जरूरी नहीं है। अब ये 4 जो है यहाँ इकाई है, इकाई के नीचे इकाई, इसको जोड़ना है 5 7 5 12 2, हासिल 1 4 2 6 1 7, देखो 7.25 आ गए। अब इसको जोड़ना है, तो इसको भी हम ऐसे लिखेंगे, देखो 25.65, ध्यान से देखो, इसको 9.005 है, तो पहले हम यहाँ दशमलव लगाएंगे, यहाँ इकाई में 9। अब ये 0.10, 0.100, अब 5000वां है, देखो इसके ऊपर कुछ नहीं है। अब ये ऋण है भाई, तो पहले हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं इसको, क्योंकि ये इसके पीछे भी धन माना जाएगा, इन दोनों को जोड़ना है। तो ये देखो इकाई, ये 1000वां 5 हो गया, ये 100वां 5 है, ये 6 है, क्योंकि इसके नीचे 0 0 है, और 9 और 5 6 4, हासिल 1 और 1 34 हो गया। इसमें से इसको घटाना है, तो यहाँ ऋण करके इसको देखो दशमलव के नीचे पहले दशमलव लगाओ, इकाई में 0 और दाई में 3। अब ये देखे 10वां 6, 100वां 5 और 1000वां भी 5। तो देखो 5 में से 5 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 6 में से 6 गया 0, अब 4 में से 0 गया 4 ही, तो आंसर 4 आएगा। देखो महेश ने 75 रुपए 25 पैसे में गणित की और 82 रुपए 75 पैसे में अंग्रेजी की पुस्तक खरीदी, उसने कुल कितना खर्च किया। जोड़ देंगे 75.25 और 82.75, तो ये मैंने बोला दशमलव के ठीक नीचे दशमलव होना चाहिए, 5 5 10 का 0, 7 2 9 1 10 का 0, हासिल 1 5 7 8 8 8 7 15, तो 158 रुपए की खरीदी है उसने। कितने ही खरीदे, अब देखो इसका मान बताना है, तो 8.756, और इसमें से घटाना है 6 दशमलव, देखो दशमलव के नीचे दशमलव, 2 8 6 घटाना है, तो देखो 6 में से 6 गया 0, और यहाँ 5 में से 8 नहीं जाता, इसमें से दिया तो 15 में से 8 गया 7, और यहाँ 6 बचा, तो 6 में से 2 गया 4, अब यहाँ 7, भाई यहाँ तो पूरा 8 ही है भाई, 8 में से 6 गया 2, तो 2 दशमलव, क्योंकि ये 0 जरूरी नहीं है लिखना भाई, जब लास्ट में 0 आता है तो दशमलव के बाद कट जाता है वो, तो 2.47। अंजलि के पास 105 थे, उसने 25 रुपए के बिस्कुट और 75 रुपए 50 पैसे की टॉफी खरीदी, अब उसके पास कितना धन बचा है। देखो उसके पास भाई, उसने दो चीजें खरीदी, 25 के 2 बिस्कुट खरीदे और 75 रुपए 50 पैसे की टॉफी खरीदी, तो हम देखेंगे कि उसने कुल कितना खर्च किया। एक तो 25 रुपए खर्च किए, अब इसको 25 रुपए में ये जोड़ना पड़ेगा, ध्यान से देखो, तो कैसे जोड़ना है, 25 रुपए में पैसे कुछ नहीं, तो 10.00 लिखेंगे, अब इसको तब लिखेंगे, इसके नीचे 10.00 और ये 25 के नीचे 75, और ये इसके 0.0 के नीचे 5.0, तो इसको जोड़ेंगे हम, क्योंकि इसने 25 रुपए एक बार खर्च किए और दूसरी बार 75 रुपए 50 पैसे खर्च किए, तो इसको हम जोड़ेंगे, तो 5 और 5 5 10 का 0, हासिल 1 7 2 9, देखो 100 रुपए, 100 रुपए 50 पैसे उसने कुल खर्च कितने किए, उसके पास 105 रुपए थे, तो हम क्या करेंगे 105 रुपए में से इसको घटा देंगे, 100 रुपए 50 पैसे को, तो देखो पैसे इधर है, इसके ऊपर कुछ नहीं है, तो यहाँ 10.00 कर दो, घटाने में 0 0 करने ही पड़ते हैं, तो अब इसमें से घटाना कैसे, 0 में से 0 गया 0, अब यहाँ नहीं जाता, इसमें से 1 इसमें लिया, तो 10 बना 10 में से 5 गया 5, अब यहाँ पे कितना बचा 5 4, यहाँ तो 0 का 0, यहाँ कुछ नहीं होगा, तो 4 रुपए 50 पैसे बचे बस के पास। संख्या 5.35 का किस संख्या से गुणा करें कि गुणनफल इतना प्राप्त हो, बहुत अच्छा सवाल है, 5.35 का किस संख्या से गुणा करें, यानी x से गुणा करें कि गुणनफल इतना हो जाए, गुणनफल कितना हो गया 0.0 भी है, 0535, 4 अंकों के पीछे है भाई, ठीक है ना, तो x का मान कितना हो जाएगा 0.0535, ये तो अपनी जगह रहेगा, ये यहाँ गुणा में, तो यहाँ नीचे चला जाएगा 5.35। अब देखो क्योंकि यहाँ दो अंकों के पीछे दशमलव, तो पीछे दशमलव होता है, तो 2 0 वाले से गुणा करते हैं,
तो दो जीरो वाली संख्या क्या है? गुणा सौ, तो ऊपर भी गुणा सौ। जब हम गुणा, देखो सौ से गुणा करने की जरूरत होती नहीं भाई, मैंने बोला जब हम सौ से गुणा करते तो किसी भी संख्या के आगे दो जीरो पड़ जाते, तो लेकिन अभी दशमलव नहीं रखेंगे हम इसको वैसे उतारेंगे, पांच यहाँ पीछे की जीरो लिखना जरूरी नहीं है, तीन पांच और इसके आगे दो जीरो, ठीक है ना, और नीचे भी पांच तीन पांच और इसके आगे दो जीरो, ठीक है। अब यहाँ देखो ऊपर एक दो तीन चार अंकों के पीछे दशमलव होता है तो एक दो तीन चार यहाँ दशमलव यहाँ चला गया, नीचे दो अंकों के पीछे तो यहाँ आ गया, तो देखो नीचे दो जीरो कट गए। अब क्या करना, हमें नीचे 535 का भाग देना है ऊपर 5.35। अब ये जीरो जीरो लिखना भी जरूरी नहीं है क्योंकि दशमलव के बाद के जीरो जीरो अंक, ठीक है ना। अब क्योंकि 535 का भाग हम देंगे तो यहाँ पे ये ध्यान रखना बेटा, दशमलव के भाग में यहाँ तीन अंक है लेकिन यहाँ दशमलव के बाद हम केवल एक अंक ले सकते हैं, दूसरा नहीं ले सकते क्योंकि दसवें तक हम एक बार ले सकते हैं, तो सबसे पहले हमने यहाँ दशमलव उतारा इसलिए दसवें तक ले सकते हैं जब हमने दशमलव उतार दिया। अब क्योंकि जब दसवें तक लेंगे तो ये 53 हो गया, अभी हम दशमलव भूल जाएंगे, अब ये 535 का भाग तो 53 में जाएगा नहीं, तो जब नहीं जाता तो कितने किस बार देना पड़ता है, जीरो बार, तो 535 जीरो का जीरो ही होगा। अब यहाँ घटा के बचा 53, अब यहाँ पे हम इस पांच को उतार सकते हैं दूसरे स्टेप में, अब 535 से कम 535, तो दशमलव 01 आंसर आएगा। जो दशमलव है ऐसा भी हटा सकते हैं, सुनो मैं बताता हूँ तुमको, दशमलव जैसे इसमें क्योंकि लास्ट में ये आया था ऊपर आया था, यहाँ पे x बराबर क्या आया था तीसरी लाइन पे ऊपर आया था 0.0535 और नीचे आया था 5.35, तो दशमलव हटाने का एक तरीका ये भी है, सुनो कि ऊपर देखो चार अंकों के पीछे दशमलव है तो दोनों के दशमलव हटा दो, तो नीचे भी चार अंक करने पड़ेंगे दशमलव हटाने के, तो चार अंक कैसे करेंगे बताओ, मैंने बोला था इसके आगे दो जीरो बढ़ा दो, तो अब यहाँ भी चार अंक हो गए, यहाँ भी चार अंक हो गए तो दशमलव कट गया ऊपर भी नीचे भी, अब इतने को भाग देना पड़ेगा लेकिन 5,053,500 का भाग हमें देना पड़ेगा क्योंकि हम जीरो जीरो के तो पहले नहीं लिखते हैं, सीधा 535 लिखेंगे। अब देखो 535 में भाग इसका नहीं जा रहा, इसमें एक दो तीन चार पांच अंक हैं, इसमें तीन अंक है तो हम क्या करेंगे, यहाँ दशमलव रखेंगे यहाँ एक जीरो बढ़ा देंगे, लेकिन अभी भी देखो एक दो तीन चार पांच अंक आए तो यहाँ चार अंक हुए तो जीरो बार भाग देना पड़ेगा, अब बाकी यहाँ तो वैसे ही बचा ही रहो। अब जब यहाँ दशमलव लगाया तो यहाँ एक जीरो और बढ़ा सकते हैं, अब होगा 53,500 तो देखो उतना ही आया। निम्नलिखित समस्त दशमलव भिन्नों को जोड़ो, देखो बेटा इसको जोड़ना है, बहुत अच्छा सवाल है, ये 27 है इसमें जोड़ना है 34, तो इकाई के नीचे इकाई, दाई के नीचे दाई, 34 देखो। अब यहाँ इकाई किसके नीचे आएगा, एक, क्योंकि इकाई लाइन ये, तो एक यहाँ आएगा और दशमलव 315, इसके आगे कुछ नहीं है तो यहाँ दशमलव 000 को, यहाँ भी दशमलव 000 को, ठीक है ना, और ये 7.31 तो 7.31, अब यहाँ कुछ नहीं है तो जीरो भी कर सकते हैं नहीं भी कर सकते, यहाँ 5.0 दशमलव के ठीक नीचे दशमलव आना चाहिए, 0, 10 ये भी जीरो और ये एक इसके नीचे दावा के नीचे, अब इन सबको जोड़ो तो देखो 5 और 1 6, 1 और 1 2, 3 और 3 6, एक लाइन में अपनी ऊपर की लाइन जोड़नी है, ये दसवें की लाइन है देखो, ये सौवें की लाइन और ये हजारवें की लाइन, ठीक है। अब यहाँ देखो ऐसे कुछ नहीं है तो 7 और 4 11 12 और 7 19 और 5 24 का 4 आसे 2 और 3 और 2 5 और 2 7 74.626, मुझे लग रहा है यहाँ पे मिसप्रिंट हो रखा है, ये 27 और 34 नहीं था बल्कि 27.34 भी हो सकता है, ठीक है ना, देखते हैं एक बार करके तब देखते हैं। ऊपर का हम जो है दोनों हटा देते हैं, 27.34, अब हम देखते हैं 5 और 1 6, 4 और 1 5 और 1 6, 3 और 3 6 और 3 9, अब यहाँ देखो 7 और 1 8
और 7, 15, 5, 20 का 0, 8 से 2 और 2 4, तो 40.966। देखो ये आया 40.966, यहाँ पे मिसप्रिंट हो रखा है, यहाँ पे दशमलव होगा। मैंने पहले बताया उसको भी करेंगे आप तो वो भी सही है, और इसको भी करेंगे तो ये भी सही है। सोने के एक कंगन का वजन 5.845 ग्राम है, इसी प्रकार की 36 कंगन बनवाने के लिए कितने सोने की आवश्यकता होगी, तो क्या करेंगे बेटा बताओ। एक कंगन है 5.845, तो हम क्या करेंगे इसको 36 से गुणा करेंगे, क्योंकि ज्यादा होगा कि नहीं होगा, तो 6×30 का 0 = 3, 6×4 = 27, 2×6 = 48, 2×5 = 5, 6×35 = 5, 35। इसके नीचे कुछ नहीं लिखते, 3×5 = 5 = 1, और 3×12 = 13, 3×8 = 24, 3×8 = 24, 1×25 = 2, 3×15 = 17 होना था, यहाँ कितना होना था। अब यहाँ 5×5 = 10, 0 = 1, 7×3 = 11, तो 21.00 ये हो जाएगा 210.42, ये वाला जीरो जरूरी नहीं, लेकिन यहाँ 210.42 नहीं है, 210.4 है, ये 2 हटा दे इन्होंने, हटा सकते हैं अगर दशमलव के अंत तक करना है, अगर यहाँ पे 5 है, 5 से बड़ा होता तो तब ये 210.5 हो जाता, लेकिन ये क्योंकि ये 2 जो हटाया ये 5 से कम है तो इतना ही रहेगा 210.4 ग्राम। अब ये 36.007 में क्या जोड़ा कि जोड़ा जाए कि योग इतना हो जाए, कैसे करेंगे इसको बोलो। हम क्या करते हैं 109.2 में से घटा देते हैं 36.9, देखो दशमलव के नीचे दशमलव, अब 007, 2 क्या के कुछ नहीं है तो यहाँ 00 घटाओ इसको, यहाँ देखो इसमें से 1 इसमें लिया, 10 बना इसमें, इसमें लिया 10 बना 10 में 7 गया 3, और यहाँ 9 बचा है, 9 को 9 में से 0 गया 9, यहाँ पे 1 बचा है, 1 का 1 ही आएगा नीचे 0 है, 9 में 6 गया 3, यहाँ 10 में से 3 गया 7, तो 73.193। देखो भाई 0.0098 को किस संख्या से गुणा करें, तो देखो भाई यहाँ पे लिखना आपने 0.0098 को किस संख्या से गुणा करें, मानी x से, ठीक है ना, कि गुणनफल कितना हो जाए, गुणनफल कितना होना चाहिए 0.00225 इतना। तो हमने x का मान निकालना, तो x बराबर कितना हो जाएगा, आगे वाली संख्या पहले हम लिखेंगे 0.00225, यहाँ पे मैंने 2 लाइनों पे लिखा इसको, ठीक है ना, ये है संख्या। अब लेकिन ये वाला जो है ये जब पक्षांतर करेंगे तो नीचे चला जाएगा 0.0098। अब देखो जिसका हमने पहाड़ा बोना, हम क्या करते हैं नीचे वाले का भाग ऊपर वाले में देते हैं, अरे ध्यान दे रही लड़की, तो नीचे वाले में देखो 4 अंकों के पीछे दशमलव है, तो इसका दशमलव हटाने वाला के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जिस संख्या में 4 शून्य होते हैं उसका गुणा करना पड़ेगा, तो 1 के आगे 4 शून्य यानी 10,000 से गुणा, तो लेकिन जब नीचे हम 10,000 से गुणा करते तो ऊपर भी 10,000 से ही गुणा करना पड़ेगा भाई, तब उसके मान में अंतर नहीं आएगा। तो देखो हम गुणा करके क्या करेंगे, ऊपर का हम क्या करेंगे, जिस संख्या को हम 10,000 से गुणा करेंगे तो इसमें 4 जीरो, तो ऊपर वाले क्या के 4 जीरो पड़ जाएंगे 2, 3, 4, यहाँ पीछे के जीरो लिखना ये जरूरी नहीं है, जरूरत होगी तो लिख देंगे, जरूरत तब होती है जब दशमलव लगाना पड़ता है, अंक कम पड़ते हैं, यहाँ भी देखो यहाँ भी पीछे दशमलव 00 इसको लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ 98 लगाया, 98 क्या के कितने जीरो आ जाएंगे, ये 4 जीरो आएंगे कि नहीं आएंगे, गुणा करने की जरूरत ही नहीं, ये मौके गुणा हो जाता है। अब दशमलव लगाने ऊपर देखो कितने अंकों के पीछे दशमलव था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ आगे से गिनो 1, 2, 3, 4, 5, 6, अब यहाँ लग गया दशमलव। अब यहाँ देखो 1, 2, 3, 4, यहाँ 1, 2, 3, 4, इसका यहाँ लगा दशमलव, तो दशमलव के आगे ये सारे जीरो है, तो जब जीरो है तो जीरो तो कट जाएंगे ना भाई, इसके जीरो भी कट जाएंगे। अब हमने क्या करना है, 98 का भाग देना है किसमें, 22.54, समझ में आया, क्योंकि जीरो तो कट गया ना, जीरो उतारने की जरूरत नहीं है, जीरो लिखने की जरूरत ही नहीं। अब हम 98 का पहाड़ा तो 98 का पहाड़ा हमें पहले 22 में तो नहीं जाता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ दशमलव लगाएंगे, और यहाँ ये 5 लेंगे तो 225 हो जाएगा,
तो 200 में आप मोटा मोटा 100 का पारा बोलेंगे तो 100 कम 100 100 नहीं 200, क्योंकि 98 100 के नजदीक है ना, तो 98 दो नहीं हो जाएगा, 2 8 16 का 6 हासिल 1, 2 9 18 1 19 196 होता है। इसको कटाओ 15 में से 6 गया 9, 15 में से 6 गया, अब यहां 1 बचा तो यहां 11 में से 9 गया 2, 29 बचा हुआ। अब यहां पे हम 4 उतार सकते हैं 294, तो 3 बार देखेंगे भाई, 3 8 24 का 4 हासिल 2 और 3 9 27 2 29 देखो 4, तो ये 0.23 आया, यानी 0.23 आंसर। ठीक है, ये वाला सही का निशान लगाओ भाई, इसमें सही निशान लगाना कि बड़ा है छोटा है कि बराबर है, 1/7 और यहाँ है 9/63, तो देखो यहाँ 7 से 63 कितने से गुणा करके बना भाई, 7 का पहाड़ा बोलो 63 था, 7 9 63 9 से गुणा, ऊपर भी 9 से गुणा होगा तो 9 1 9, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर है भाई, 1/7 में उतना ही है, ये इसकी समतुल्य भिन्न है, तो इसको हम बराबर के साथ मारें। ये सवाल जो है ना मैं पकड़ करके ऊपर ले जाता हूँ, यहाँ ले जाता हूँ इसको पकड़, देख ले तुमने। अब देखो जब हम इसको गुणा करेंगे तो ये का एक होगा, ठीक है ना, ये का एक एक। अब मैंने बोला गुणा करने के बाद हम दशमलव लगाते हैं, कितने अंकों के पीछे प्रश्न में दशमलव है, 1 2 3 और 1 4, तो यहाँ 1 अंक हो गया 2 3 4 उतने 0, और 1 दशमलव से पहले 0 लगाना भी जरूरी होता है, फिर यहाँ ऋण, फिर इसका गुणा करेंगे, ये का एक को एक, ये का एक को एक। अब ये का एक को एक ही होता है, लेकिन यहाँ दशमलव कितने अंकों के पीछे है, 1 2 और 1 3, तो यहाँ 1 तो ये है 2 और 3, यहाँ दशमलव, तो यहाँ भी 0। अब इसमें से इसको घटाना है, इसमें से ये घट ही नहीं सकता, पहले बोलो बड़ा कौन है, बड़ा बड़ी संख्या ये है, क्योंकि यहाँ देखो इसका दसवां शून्य है, इसका भी दसवां शून्य है, ये वाला, ठीक है ना, ये इसका दसवां ये है, इसका सौवां शून्य है, इसका सौवां शून्य है, इसका हजारवां शून्य है, इसका हजारवां एक है, तो ये बड़ी संख्या हो गई, तो छोटी संख्या में से तो बड़ी संख्या घटी नहीं सकती ना भाई, लेकिन घटाना पड़ेगा, तो हम कैसे घटाएंगे, इसको उल्टा करके घटाएंगे, ऋण 0.0001 हम ऊपर लिखेंगे और इसके नीचे लिखेंगे ये धन वाला है भाई, इसके पीछे कुछ नहीं है तो धन माना जाएगा, 0.0001 और इसके ऊपर कुछ नहीं है तो यहाँ 0। अब ये सबसे पहले दिए देखो, ये ऋण में से हम धन घटा रहे हैं तो उत्तर में ऋण लगेगा, क्या लगेगा, और यहाँ देखो एक घटाना है भाई, सॉरी 10 में से 1 गया 9, यहाँ 0 है तो 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो इसका उत्तर होगा 0.0009। अब इसमें दे ही नहीं रखा है क्योंकि ये सवाल मिसप्रिंट है, तो इसमें जोड़ना है, इसको घटाना है, ये बात है, चलो कर देते हैं 27.076, इसमें धन करना है 0.55 भाई, तो दसवें के नीचे, सौवें के नीचे, इसके नीचे कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, इसको घटाना मैं बाद में कर रहा हूँ, 6 का 6 7 5 12 का 2 हासिल 1 6 और यहाँ 2। अब इसमें ये घटाना है 7.626, तो देखो 6 2 6 घटाएंगे तो 0.00 आएगा बेटा, यहाँ पे 27 है, क्या है, तो यहाँ ऊपर भी 27 आएगा, 7 में से 7 गया 0 2, तो यहाँ 20 के आगे 10.00 है तो 20 ही आएगा उत्तर। राजेश ने 4 किलोग्राम 9 ग्राम सेब, 2 किलोग्राम 60 ग्राम अंगूर, तो देखो यहाँ किग्रा लिख लो, किलोग्राम और यहाँ ग्राम लिख, तो कितना खरीदा उसने, 4 किलोग्राम और 9 ग्राम खरीदे सेब, फिर खरीदा उसने 2 किलोग्राम और 60 ग्राम खरीदे अंगूर, और 5 किलोग्राम और 300 ग्राम खरीदे सभी फलों का कुल वजन, तो ग्राम ग्राम पहले जोड़ेंगे हम, तो यहाँ इकाई में इकाई जोड़ो, नहीं 369 होगा भाई, यहाँ 9 में 0 जोड़ के 9 होगा ना, गलत दे रखे इस किताब में सवाल। 15वां देखिए, ये पहले घटाना है फिर जोड़ना है,
हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं, पहले जोड़ सकते हैं 9.756 धन करके ये पहले लिखेंगे हम, ठीक है ना, 1.524 अब तब लिखते हैं हम ऋण का बाद में, ऋण 6.28 तो पहले जोड़ेंगे हम इसको, तो जोड़ तुम अलग भी कर सकते हो 9.756 इसके नीचे दशमलव या एक, ये 5.25 हासिल 1.57 8 हो गया और 7 5 12 2 हासिल 1 तो सॉरी ये तो मैं कटा रहा था, चलो पहले जोड़ेंगे हम ना, इसमें तो जोड़ ही होगा ना पहले, क्या इसमें जोड़ होगा पहले, तो 6 4 10 0 हासिल 1 5 2 7 1 8 और 7 5 12 2 हासिल 1 9 1 10 1 11 इसका उत्तर हो गया 11.280 ऋण 6.28 इसमें से घटाना है तो 11.28 यहाँ जीरो लिखना जरूरी नहीं है क्योंकि इसमें दो अंक है तो दो ही अंक लिखेंगे हम, 6.28 इसको घटाना है, यहाँ घटाने का निशान है तो देखो 8 में से 8 गए 0 2 में से 2 गए 0 11 में से 6 गया तो 5 तो 5 आंसर हो, ठीक है। इसमें 15 ही सवाल है तो ये 15 सवाल हमने किए, आपको अच्छे लगे होंगे, आप इसको करके लाइएगा मुझे दिखाइएगा, ठीक है ना, ओके बाय।